सब्सक्राइब करो लिविंग पंजाब न्यूज चैनल नू, ते नाल ही बैल आइकॉन नू प्रेस करो लेटेस्ट न्यूज सब तो पहला देखन लई। जन्माष्टमी के शुभ मौके ते दीनानगर दे कुष्ट आश्रम च पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी, देशवासियों नू दित्तियां कृष्ण अष्टमी दीयां वधाईयां। कैप्टन सरकार पंजाब भर च 1,73,000 स्मार्टफोन वंड के कर रही है शुरुआत। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश भर के मंदिरों च धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इस दौरान दीनानगर के मशहूर मंदिर कुष्ट आश्रम च भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया, जिथे पंजाब की कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने उचेचे तौर से पहुंच के कुष्ट आश्रम च रह रहे लोगों का हाल चाल जानिया अते देशवासियों नू जन्माष्टमी दीयां मुबारकां दित्तियां। इस मौके ते पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि अज जन्माष्टमी दा त्योहार पूरे विश्व भर च मनाया जा रहा है। उन्हां ने जिथे देशवासियों नू इस त्योहार ते मुबारकां दित्तियां, उत्थे इस कोरोना महामारी दौरान लोगों की तंदुरुस्ती की कामना भी की। पत्रकारों वालों स्मार्टफोन बारे पुछे गए सवालों के जवाब च कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि कैप्टन सरकार ने जो स्मार्टफोन देने का वादा किया सी, वो अपना वादा पूरा करन जा रही है, जिसके आधार से आज 1,73,000 मोबाइल फोन वंडन की शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब विच कुल 92 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन नौजवानों नू वंडे जाएंगे। इलाका निवासी और सारे पंजाब के पंजाबियों को बहुत बहुत कृष्ण अष्टमी की बधाई देती हूँ। और आज जिवें हमेशा की तरह खास तौर पर मैं इत्थे लेबर्स कॉलोनी सेवा सदन आके इन्हां नाल मिलती हाँ और इन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त करती हाँ। वह भी अज मैं खास तौर पर चंडीगढ़ तो चल के इन्हां दा आशीर्वाद प्राप्त करने वास्ते, क्योंकि ये लोगों का बहुत वड्डा इन्हां दी मुश्किलां ने जिन्हों मैं कोशिश कर रही हूँ कि हल हो जाए। जिमें पिछली बार इन्होंने डिमांड रखी थी कि पानी पीन की टैंकी दे वास्ते नवे बोर वास्ते पैसे चाहिए ने, और बाथरूम को इत्थे नहीं है सी। सो उन्होंने वास्ते भी स्पैशल एस्टिमेट लगा के इन्हों पैसे इन्होंने पहुँच चुके हैं। बाथरूम तो बन के तैयार है और जोड़े पानी की टैंकी वह प्रोसैस चल रहा है और जल्दी ही वो दिक्कत इन्हों की दूर हो जाएगी। इन वास्ते खास ध्यान इस करके करीद कि ये आगे ही समाज तो एक किस्म के अलग थलग रह रहे होंगे, लेकिन इन जिन्हिया भी फैमिलीज इतने रहा उन्होंने इतने बड़ा सहयोग रहा। हमेशा ही मैं इन्हों को आशीर्वाद लेती हूँ और अज विशेष तौर पर मैं इन्होंने कृष्ण अष्टमी के शुभ अवसर पर बधाई देने वास्ते इतने पहुंची। सो ये हमेशा वधन फुलन और ठीक ठाक रहन, सेहतमंद रहन, और इन खास तौर पर कोरोना के बारे में मैं इन्होंने थोड़ा जागरूक करवाया कि अपना ध्यान रखा और बाहर ना जा, और जो भी जिमें मास्क पा के या सैनिटाइजर यूज कर। सो इस तरह की हिदायत जो जो सरकारी हिदायत भी उन्होंने मिली रहती है। सो आज इस करके मैं इन्होंने थोड़ा जागरूक बिल्कुल मैं अज बड़ी खुशी है कि अज यूथ डे भी है। सो यूथ डे मनाने वास्ते असी अज मेरी ड्यूटी पठानकोट लगी हुई है, क्योंकि सारे मंत्रियों की वक् जिले ड्यूटी लगी है कि अज और कैप्टन साहब चंडीगढ़ तो अज ये रिलीज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव जी डिपार्टमेंट है वो तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, लेकिन प्रोक्योरमेंट जी स्मार्टफोन्स की ये इंफोटेक और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इंडस्ट्री एंड कमर्स डिपार्टमेंट ने की है, और हर डिस्ट्रिक्ट लैवल से इन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इस पूरे पंजाब के बाद 1,73,823 स्टूडेंट्स ने जोड़े प्लस टू च पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों पढ़ते हैं। सो उन्होंने सारियां
लड़के लड़कियां नूं स्मार्टफोन जिहड़े दिते जाणगे ताकि उन्हां दे विच इक गवर्नमेंट दी एम सेवा ऐप और कैप्टन कनैक्ट ये दो ऐप्स जिहड़ियां ने पाईआं होणगीआं ताकि जिन्नियां भी गवर्नमेंट दी बेनीफिशरी स्कीम्स ने या उन्होंने कैरियर ओरिएंटेड जिहड़ियां स्कीम्स ने या जिवें स्किल डिवेलपमेंट का उन्होंने दसन वास्ते कि अगर किहड़ा करियर जिहड़ा जिहदे च इंटरस्टिड हो अगे वध सकदे ने इन्होंने बारे अपडेट जिहड़ी जानकारी है उन्होंने दित्ती जाएगी। इहदा बहुत फायदा है और ये 92 करोड़ का प्रोजैक्ट है सरकार ने 92 करोड़ रुपया खर्च के और ये प्रोसैस सारे ही जिलों के नवंबर 2020 तक ये कंप्लीट कर दिता जाएगा। न्यूज़ डेस्क तो डॉक्टर मेस रंगल की खास रिपोर्ट लिविंग पंजाब न्यूज़ दीनानगर।